तो गाइस उठे तो काफ़ी देर से हूँ मैं, तो नहा वगैरह के फिर सो चुका हूँ मैं। तो चलिए अब देखते हैं आगे क्या सीन चल रहा है। तो फाइनली गाइस मेरी फुल तैयारी वगैरह हो चुकी है, मैंने सारा गाड़ी में सामान वगैरह ला के रख चुका हूँ, बस अब देर है सबकी बाहर निकलने की, सब जन निकलेंगे। और फाइनली गाइस हम पहुँच चुके हैं चीनी महादेव मंदिर जो है खामगांव से थोड़ा आगे, तो उसका तो चलिए गाइस चल तो रहे रास्ते से, बहुत तगड़ी धूप लग रही है इसलिए हमने टोपी धारण करे है दोनों भाइयों ने। तो नल से आ चुके और नल से मुँह लगा के पानी पीने वाले का देख लीजिए, इसको नहीं आता हुआ सीख लीजिए। कैसा जाना रे भाई इसमें, अरे कैसा जाना इसमें, मम्मी गजब बेइज्जती है। हेलो, तो हे गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आई होप आप लोग काफ़ी अच्छे हो, तो अच्छे रहना ही होना चाहिए गाइस आपको। तो चलिए, तो अभी जस्ट उठे हम नहा वगैरह के, मतलब उठे तो काफ़ी देर से, मतलब ये क्या बोल दिया मैंने, तो गाइस उठे तो काफ़ी देर से हूँ मैं, तो नहा गजब बेइज्जती है वगैरह के फिर सो चुका हूँ मैं। तो चलिए अब देखते आगे क्या सीन चल रहा है, तो ब्लॉग शूट करेंगे आज फिर से, तो मतलब कहीं चलते हैं ट्रिप वगैरह पे, कहीं प्लान वगैरह बनाते हैं बीच और चलते हैं कहीं घूम घूम के आते हैं गाइस, देखते हैं क्या सीन रहता है। तो ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिए, कल वाले ब्लॉग में आपने मज़ा आ ही गया होगा, बहुत खतरनाक मतलब जो भी था वो जाने दो, इस ब्लॉग में क्या बोलना आपने देख ही लिया होगा पीछे, बहुत मज़ा आया होगा। नहीं आया होगा तो मैं लिंक में दे दूँगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, देख लेना जाके गाइस जिसने नहीं देखा होगा उसने। तो चलो, तो यही है गाइस, तो चलो चलते हैं अभी और देखते हैं अंदर क्या हो रखा है। तो अंदर चले दिखाता हूँ मैं गाइस आपको। तो गाइस देखिए अंदर अभी पग बन रहा है ब्रेकफास्ट वगैरह, मम्मी जी आलू छिल रहे हैं, इधर रोटी बकरी है। तो चलिए अभी बन रहा है ब्रेकफास्ट, तो ब्रेकफास्ट वगैरह करते हैं और फिर देखते हैं क्या सीन चलता है और फिर निकलेंगे गाइस थोड़ा सा घूमने वगैरह को, जो भी प्लान है थोड़े दूर तक के जाएंगे घूमने को और घूम के फिर इंजॉय करके आएंगे गाइस। तो ब्लॉग में बने रहिए कंटिन्यू, आज का भी ब्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो चलिए देखते हैं क्या सीन रहेगा। फाइनली गाइस मेरी फुल तैयारी वगैरह हो चुकी है, मैंने सारा गाड़ी में सामान वगैरह ला के रख चुका हूँ, बस अब देर है सबकी बाहर निकलने की, सब जन निकलेंगे और गाड़ी में बैठेंगे और फिर हम चलेंगे गाइस। तो चलो जहाँ भी प्लान है चलने का तो वहाँ हमको रास्ते में बताएंगे आपको, नहीं तो जहाँ भी जाता है इसी पहले बता दूंगा तो भीड़ लग जाती है गाइस। तो चलिए चलते हैं और मिलते हैं रास्ते में चल के।너를 참을 수 없을 것 같아 매번 거짓말로 흔들어 난 나를 모든 게 다 상처로 남아 이미 어긋나버린 너와 나 하루하루 쌓여가고 있는 식어버린 내 맘 이젠 내겐 이 자리는 없어 फाइनली गाइस हम पहुंच चुके हैं चीनी महादेव मंदिर जो है खामगांव से थोड़ा आगे, तो उसका गांव का नाम नहीं पता मुझे, तो मैं कमेंट में आप ही बता देना अगर किसी को पता हो तो। तो देखिए गाइस इधर से पीछे से बड़े बड़े शिखर, तो चलो यहां आ चुके हैं, तो चलो देखते हैं बंदर मंदिर कैसा है। पहली बार मैं भी फर्स्ट टाइम आया हूँ, फर्स्ट टाइम आप भी है, फर्स्ट टाइम मैं भी हूँ, तो चलिए यार देखते हैं कैसा है अंदर से मंदिर। तो चलिए गाइस चल तो रहे रास्ते से, बहुत तगड़ी धूप लग रही है इसलिए हमने टोपी धारण करे है दोनों भाइयों ने। तो चलो तो चलो गाइस चलते हैं बपुन, पहले दर्शन वगैरह करते, पहले तो बैठने बैठने सोने की व्यवस्था करते हैं, दो दिन से सोया नहीं हूँ गाइस, मैं सोता हूँ पहले चल के, उसके बाद में फिर देखा जाएगा क्या होगा। तो मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हल्का ढस। तो चलिए चलते हैं अभी, नल से आ चुके और नल से मुँह लगा के पानी पीने वाले का देख लीजिए, इसको नहीं आता हुआ सीख लीजिए। गिल्ला होगा गिल्ला होगा, सो हमारे रतन भैया का पोपट हो गया। बंद है, बंद है।
नंदी बाबा और हमारे संभव। चल अरे भाई तो पैसा जाना रे, चलना झुकके। अरे कैसा जाना रे भाई इसमें, अरे कैसा जाना इसमें मम्मी। अरे गजब बेइज्जती है नंद भाई। अरे जय बम बम बोले उनका मंदिर छोटे रहता है भैया, देखो यहाँ पे देखो कैसी है ये उनकी जैसी है। अरे राम की ईश्वर की जैसी है बन गया। चलो तो फाइनली भाई लोग का दोस्तों लोग अब हम दर्शन वगैरह कर चुके हैं और अब हम करेंगे पेट पूजा, हमको भूख लग रही है तो चलिए। हेलो सो गाइस, तो दर्शन वगैरह हो चुके हैं, एंजॉय वगैरह फुल हो चुका है तो चलिए। धूप बहुत है ना इसीलिए मेरा चेहरा सही नहीं आ रहा होगा, तो चलिए गाइस चलते हैं अब घर की ओर निकलते हैं। गाड़ी वगैरह में सामान वगैरह तो डाल देते हैं फटाक से अपना और गाड़ी मारते हैं बैक और फिर चलते हैं। चलो दोस्तों अब यहाँ से निकल चुके हैं ये वाले मंदिर से, अब चलते हैं दूसरे वाले नेक्स्ट वाले मंदिर पे। मैंने दूसरे ना मंदिर पे घाटपुरी वहाँ का एक बार गए हुए तो वहाँ पे भी चलते रास्ते में पड़ेगा तो दर्शन करके चले जाएंगे, मतलब वहाँ पे भी दर्शन कर लेंगे तो चलिए। फाइनली गए दूसरे वाले मंदिर पे पहुँच चुके हैं, गाड़ी वगैरह पार्क कर दी है और हमारे सामने है मंदिर तो आपको रुको दिखाता हूँ मैं रिव्यू मंदिर का। सो गाइस इधर देखिए शादी वगैरह भी चल रही है और इधर है ये मंदिर तो चलिए दर्शन वगैरह करते हैं गाइस। मंदिर के दर्शन वगैरह करते हैं और लोगों के रिएक्शन वगैरह देखते हैं, ज़्यादा भीड़ तो है नहीं मंदिर में तो रिएक्शन बड़े बढ़िया बढ़िया आते हैं गाइस ऐसे ब्लॉग शूट करने में कि लोग क्या कर रहा है ये कैसा कर रहा है क्या डांट न रे कौन बोल रहा कहाँ लिख रहा फोटो मत लो कुछ नहीं बोलते। सो गाइस तो चलो हम यहाँ से निकल चुके हैं सेकंड वाले मंदिर से भी दर्शन वगैरह करके, तो देखिए आ रहे हैं पीछे के एक जन करके सब। चलो मैं गाड़ी वगैरह निकालता हूँ और सब जन को चलते हैं, सब जन बैठते हैं और फिर चलेंगे घर पे तरफ और निकलते हैं घर और मिलते हैं पहुँच के घर चल के घर। चलिए फाइनली गाइस हम उस टाइम मतलब उस दिन आ चुके थे घर, तो आज उसका नेक्स्ट डे है जैसे कि, तो मैंने एडिट वगैरह कर लिया था तो इंट्रो मतलब लास्ट ब्लॉग एंड करने का बाकी रह गया था गाइस तो वही ब्लॉग एंड कर रहा हूँ। तो जो भी था गाइस वही था, आज आने के बाद मैं दूसरे काम में लगा था ब्लॉग एंड करना भूल गया था, तो जो भी था यही था जैसा भी ब्लॉग था गाइस आपने देख ही लिया होगा आई होप आपको पसंद ही आ गया होगा। तो गाइस वीडियो बहुत छोटा सा था बना था तो जो भी था मैंने अपलोड करना ही इसको सही समझा, तो चलिए ब्लॉग तो आई होप आप लोग को काफ़ी अच्छा लगा होगा, वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कर देना और चैनल पर चैनल सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट ब्लॉग में, थैंक यू फॉर सो मच वॉचिंग, बाय बाय।